आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की उत्तराखंड में दस्तक के बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ऐसे में ऋषिकेश के अंदर नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू की पहली रात को मुनादी कर लोगों से कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमते हुए लोग सड़कों पर पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर छूट दी है। अगली खबर बाजपुर से है, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे हुए थे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्यता से स्वागत किया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम एक मुशायरे में शामिल होने हल्द्वानी जा रहे थे। दोराहक के पूर्व दर्जा मंत्री हरेंद्र सिंह लाडी के फार्म पर वो पहुंचे। एक भजा पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आने वाला समय सिर्फ कांग्रेस का है। देखिए, हिंदू धर्म जो है एक बहुत विराट धर्म है। उदारता का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम हिंदुत्व है, तपस्या का नाम हिंदुत्व है, प्रेम और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। किसी को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। जहाँ तक सवाल है हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति उदार होता है। वो किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहता, वो हिंसा नहीं करना चाहता। मैं तमाम हिंदू भाइयों से तो ये खास तौर से कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी हिंदुत्व का मार्ग दिखा रही है, वो हिंदुत्व का मार्ग नहीं है, वो अधर्म का मार्ग है। वो धर्म का मार्ग नहीं है, वो अधर्म का मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन पर्यटन स्थली औली से अच्छी खबर सामने आई है, जहां बर्फबारी और पाले की चपेट में आने से पिछले 50 घंटे से बाधित जोशीमठ औली मोटरमार्ग को प्रशासन ने आज कड़ी मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी के सहयोग से बहाल कर दिया है। सड़क खुलने से सैकड़ों पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। वहीं आज ठंड और हल्की बर्फबारी के बाद औली गौरसो की बर्फीली वादियां सैकड़ों पर्यटकों की आमद से दिन भर गुलजार रही है। आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस से हुई बर्फबारी के बाद 14 किलोमीटर जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर पाला व बर्फ जमने के कारण टीवी टावर से कीचड़ बैंड रॉक क्लाइंबिंग एरिया औली तक पर्यटकों के कई वाहन सड़कों पर रपट रहे थे, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की मदद से जोशीमठ औली रोड पर सड़क को खुलवाने का काम किया है। वहीं जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने तहसील पौड़ी की ओर से निर्धन असहाय लोगों को कंबल वितरित किए हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि सर्दियों के समय जिला प्रशासन हर वर्ष गरीब लोगों की इसी प्रकार से मदद करता है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है, जिससे लोग ठंड से बचने हेतु अलाव का सहारा ले सके। लहर का दृष्टिगत जो है, इस वर्ष में काफ़ी ठंड का प्रभाव महसूस हो रहा है और शीत प्रकोप को दृष्टिगत सभी नगर क्षेत्रों में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए संबंधित नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक के माध्यम से और SDM और तहसील्स के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। सभी सूचनाओं को एकत्रित करने का काम जो है आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है। साथ साथ में ऐसे स्थान जहाँ पर ऐसे लोग निराश्रित परिवार रहते हैं, जहाँ पर कंबल की आवश्यकता है या कपड़ों की आवश्यकता है, उसको भी हम देखवा रहे हैं और जहाँ जहाँ सूचना प्राप्त हो रही है उनको कंबल बांटने का हम काम भी कर रहे हैं। आज इसी तरीके से हम लोगों ने पौड़ी में नगर क्षेत्र में जो ऐसे व्यक्ति जिनको कंबल की आवश्यकता थी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ साथ में रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमने गत दिनों में भी जो है कारागृह में जो हमारे परिवार रहते हैं जिनको जो निराश्रित हैं और जो कंबल की आवश्यकता थी, ऐसे परिवार को चिन्हित करते हुए 10 कंबल वहाँ भी वितरित करने का। हरिद्वार में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए हेट स्पीच के बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और संतों पर हरिद्वार नगर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। मुकदमे का जवाब देने के लिए आज हरिद्वार के भूपतवाला स्थित शांभवी आश्रम में साधु संतों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी भी पहुंचे हुए थे। बैठक में वसीम रिजवी ने इस्लाम मोहम्मद साहब और जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रस्ताव रखा।
जिस पर सभी संतों ने मोहर भी लगाई। संतों द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई। खास बात यह है कि नामजद वसीम रिजवी और स्वामी यति नरसिंहानंद सहित अन्य संतों से तहरीर लेने नगर कोतवाल राकेश टिकैत खुद आश्रम पहुंचे हुए थे। इसमें जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। 21 महापुरुषों की कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है और ये इसलिए की गई है कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। विधानसभा ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर ने ग्राम पुरनपुर, हददीपुर और टकाभरी गांव में सड़कों का उद्घाटन किया। विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि सड़क का निर्माण 1,76,00,000 की लागत से किया जा रहा है, जो काफी लंबे समय से इसका काम रुका हुआ था और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांव-गांव में विकास का काम कर रही है और जितना विकास 6-7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है, इतना विकास दूसरी सरकार में नहीं हुआ। देखा सड़कों का उद्घाटन है, 1,76,00,000 की लागत से सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो लंबे समय से पड़ी थी, रुकी थी, उसको हम बना रहे हैं ताकि लोगों को इस कठिनाई से छुटकारा मिल सके। और माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार बराबर गांव-गांव में विकास कर रही है, गली में चारों तरफ सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों की समस्याएँ हो, उन सब पे हम बराबर आगे। वही शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए पठन पाठन व अन्य शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। चमोली के GIC नारायण बगड़ के सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह में विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों के 29 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इसमें प्राथमिक विद्यालयों से 3 शिक्षिकाओं, 11 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय से 8 शिक्षक, 2 शिक्षिकाओं व जूनियर हाई स्कूल से 3 शिक्षकों और 1 शिक्षिका को सहित 29 लोगों को उत्कृष्ट पठन पाठन, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों, कोरोना में लॉकडाउन के दरमियान विभिन्न सरकारी दिशा निर्देशों को बखूबी निभाने के साथ साथ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाने को कुशलता से संपन्न कराने के लिए सम्मानित किया गया। धन्यवाद। जो हमारे अध्यापक विकास खंड में शिक्षा की जोत जला रहे हैं और मुख्यतः जब हमारे अभी वर्तमान में जो 2 साल लगातार कोविड में रहे, तो उसमें हमारे अध्यापकों ने बहुत बेहतर तरीके से ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को वर्कशीट के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाया और ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक विश्वास जो उनके अभिभावकों का है वो हमारे सरकारी सिस्टम के अध्यापकों और स्कूल पर है, तो उसका हमारे विकासखंड के अध्यापकों ने बखूबी निर्वहन किया है और अधिक से अधिक बच्चों को हमारे सरकारी विद्यालयों में आने के लिए प्रेरित किया। मैं कहना चाहूँगी कि हम जो शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं को जो उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान मिला है उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और शिक्षक खंड विकास महोदय जी के द्वारा जो सम्मान दिया गया है उससे हम गौरवान्वित महसूस हुई है। साथ ही जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा उससे हम अपने बच्चों, अपने छात्रों में और अधिक प्रयास करेंगे, जिससे छात्रों का सभी क्षेत्रों में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमारा बच्चा आगे आए, जो उनके अंदर हमारे अंदर जो ऊर्जा आई है उससे हम उन बच्चों को उस ऊर्जा को दे सकें। श्रीमान खंड शिक्षा महोदय,
जी द्वारा ये शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया और चूंकि वो बहुत कर्मठ और ईमानदार स्वच्छ सभी के लिए अपने जाने जाते हैं और उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों न कि जो हमारे विभिन्न स्कूलों में जो टीचर्स बहुत अच्छा कार्य उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य टीचर्स भी अच्छा कार्य करें छात्रहित में समाज हित में विद्यालय हित में। तो निश्चित रूप से अगर इस सम्मान समारोह कार्यक्रम को प्रतिवर्ष किया जाए तो शिक्षकों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उनमें एक अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जागृत होगी। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि परम सरदेह खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं शिक्षकों के द्वारा उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से अपने खंड शिक्षा अधिकारी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वही कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कालाडूंगी में ब्लॉक कोटाबाग में श्रम निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों को सामग्री का वितरण किया गया। भवन और अन्य संनिर्माण कामगार बोर्ड के पास सामान का वितरण किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल, कंबल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, सैनिटरी पैड का वितरण कोटाबाग ब्लॉक में किया गया। नए पंजीकृत श्रमिकों और पुराने पंजीकृत श्रमिकों को लंबे समय के इंतजार के बाद आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। वही नरेंद्रनगर में समाज कल्याण व स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर समाज कल्याण व स्वास्थ्य विभाग की ओर से नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में झंडा मैदान में दिव्यांग जनों के समस्त प्रकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए जाने के उद्देश्य से एक दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में 139 लोगों ने पंजीकरण करवाया जिसमें से 67 लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हीलचेयर, एक अन्य को एक जोड़ी वैसाखी, 5 को छड़ी, 4 व्यक्तियों को कान की मशीन और 1 को वॉकर निःशुल्क प्रदान किया गया। जिला प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी मोदी के निर्देश अनुसार में इस कैंप का चौथा पार्ट कहूंगा जो 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त हमने 3 पार्ट लगाए थे राजकीय प्रताप इंटरकॉलेज बोराड़ी में, जिसका इस जनपद के लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे मानसिक रोग विशेषज्ञ के 351 प्रमाण पत्र, 208 हड्डी रोग विशेषज्ञ के, 88 आँख के, कम से कम 101 लगभग ENT के, गला नाक के प्रमाण पत्र बने, जो 773 प्रमाण पत्र थे। ये विशेष उपलब्धि रही समाज कल्याण विभाग की और सहयोग विशेषकर उसमें रा स्वास्थ्य विभाग का, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ की जो टीम रेफरल संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनके द्वारा विशेष सहयोग दिया गया। आज भी जो इसका चौथा पार्ट है जो नरेंद्र नगर में इस हॉल में लगा है उसमें उनका आज विशेष सहयोग है, क्योंकि मानसिक बच्चों के प्रमाण पत्र बनते नहीं बहुत जल्दी से, जिसलिए देर उनके बार बार धक्के खाने पड़ते हैं, और उनके सहयोग से आज हम इसका चौथा पार्ट लगवा रहे हैं और इसका विशेष सहयोग नरेंद्र नगर की जनता को और जो हमारे और भी जनपद के लोग प्रमाण पत्र से छूट गए हैं उनको इसका लाभ मिल पाएगा। वहीं रुड़की में बढ़ते ओमिक्रोन के मामलों को देखते हुए भाजपा नेता ने जागरूकता अभियान चलाया। बता दें कि तहसील से आज भाजपा नेता टेक बल्लभ ने शहर में जागरूकता अभियान शुरू किया। यह अभियान ओमिक्रोन की आने वाली लहर को देखकर चलाया गया है। इस अभियान के चलते भाजपा नेता टेक बल्लभ के द्वारा तहसील से जागरूकता रथ की शुरुआत की गई। ये रथ पूरे शहर में गली गली में घूमेगा और लोगों को ओमिक्रोन को लेकर जागरूक करेगा। ये कोरोना काल को लगभग अब 2 वर्ष होने को हैं और बहुत सारी जाने हमारे बीच से गई हैं। जो जाने चली जाती हैं उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पिता के लिए पुत्र अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे इससे बड़ा कष्ट नहीं होता है। इन सब बातों को देखते हुए किसी महामारी की दुर्घटना में कोई काल के मुँह में ना जाए। अब तीसरा जो इसका दौर है वो प्रारंभ है, कभी भी बढ़ सकता है। पूर्व में हमारा अनुमान था कि सर्दियों में प्रकोप नहीं होगा। ये वहीं अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया। लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने साइबर सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता भूपेंद्र सिंह मेहता को थाने में तहरीर दी गई थी। सुदेन निवासी
रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 16,30,000 रुपए की ठगी की गई। अभियुक्त सुधीर मलिक की तलाश फिलहाल जारी है। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त की मेरठ से गिरफ्तारी की गई है। ये एक गैंग है जिसका ये मुख्य सरगना है, जो कि रेलवे में फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। जनपद पिथौरागढ़ में हमारे पास एक अक्टूबर के माह में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उसके उससे जो है 16,30,000 रुपये इस गैंग के द्वारा लिए गए और ये रेलवे में फर्जी इंटरव्यू करवा के उसमें नौकरी लगवाने का जो है लोगों को बहला फुसलाकर उनसे रुपए। वहीं रुड़की सोलानी शमशान घाट में 1 जनवरी को मां गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना होगी। आपको बता दें कि रुड़की में स्थित सोलानी शमशान घाट में 1 जनवरी को स्थापना की जाएगी, जो कि आशु किन्नर की ओर से कराई जा रही है। आशु किन्नर ने बताया कि उनके तरफ से रुड़की स्थित सोलानी शमशान घाट में 1 जनवरी को सुबह 9 बजे पूजा हवन के बाद गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना होगी। वहीं आशु किन्नर ने रुड़की क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मां गंगा मैया की मूर्ति स्थापना के मौके पर आकर आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म लाभ उठाएं। वहीं रुड़की की सिविल लाइन्स में आबकारी कार्यालय के बाहर कुछ महीने पहले बनी सड़क अभी से उखड़ गई है। सड़क में बेहद ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण सड़क की बजरी अब बाहर आ गई है। इस बजरी के कारण यहां पर कई बच्चे गिरने से घायल हो गए हैं। सड़क की हालत यह हो गई है कि अब इस सड़क पर चलना भी खतरनाक साबित हो रहा है। शराब 54 सिविल लाइन शराब क्या दिक्कत है? चलने में दिक्कत होती है, चप्पल पहन के चलते हैं तो कंकर पैरों में चुभती है, सड़क उखड़ रही है। कई शिकायत की है आपने? महीने की शिकायत। क्या वजह मानते हैं? किसकी वजह से? माना सही नहीं लगा, रेता रेता लगा हुआ, सीमेंट है नहीं। अच्छा, घटिया सामग्री। हाँ जी, पहले बनी थी 2.5 महीने पहले। तो आप ये तो ठेकेदारों को ही मालूम होगा इस बारे में, तो क्या करा। हाँ ये तो है, दुरुपयोग है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।